स्टूडेंट हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर वेरी ग्रेट. सो टुडे इट्स अ वेरी कोल्ड डे, सो आई होप यू ऑल विल बी एट योर होम. सो जस्ट सी दिस वीडियो एंड बेसिकली आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू चैप्टर फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट विच इज़ द सर्मन एट बनारस. दिस इज़ अ चैप्टर नंबर 10th. ओके, सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी विल गोइंग टू एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ पर्सन हु इज़ अ सन ऑफ प्रिंस एंड हिज नेम इज़ सिद्धार्थ गौतमा. सो बेसिकली सिद्धार्थ गौतमा जो प्रिंस हैं, बिकॉज वो किंग के सन हैं, सो व्हेन ही वाज 12 इयर्स ओल्ड ही वेंट सम स्कूल जहाँ पे उनको स्क्रिप्चुअल मीन्स सेक्रेट स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाते थे, सेक्रेट चीज़ें पढ़ाई थी, स्क्रिप्चुअल चीज़ें पढ़ाई जाती थी, यू नो, धार्मिक हो या पूजा पाठ से भगवान से रिलेटेड चीज़ें होती थी जो उनको पढ़ाई जाती थी. और व्हेन ही रिटर्न मीन्स व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम दैट हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर्स, सो वहाँ मीन्स स्कूल से जब वो रिटर्न होते हैं सो उनकी शादी कर दी जाती एक प्रिंसेस से. सो बेसिकली क्या होता है कि वो एक बहुत लैविश लाइफ जीते हैं, एक किंगडम में वो रहते हैं, वो पहले स्क्रिप्चर्स चीज़ पढ़ते हैं, देन ही गॉट मैरिड टू सम प्रिंसेस. ओके, एंड आफ्टर दिस वो क्या होता है, एक नॉर्मल यू नो जैसे होता है ना अपने किंगडम को देखने के लिए कि किस किंगडम में क्या है, तो एक नॉर्मल अपनी गाड़ी में बैठकर, यू नो एक बग्गी टाइप होती है उसमें बैठकर वो सब चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए जा रहे होते हैं. देन ही गॉट रियलाइज दैट टाइम कि लाइफ इज नॉट ओनली व्हाट आई वाज लिविंग टिल नाउ, मतलब अब तक वो जो लाइफ जीते आ रहे थे वैसी लाइफ होती नहीं है, देर इज़ अ लॉट्स ऑफ सफरिंग, राइट, क्योंकि बिकॉज वो जब रास्ते में देखते हैं तो ही सॉ अ ओल्ड मैन, अ सिक मैन एंड द फ्यूनरल प्रोसेस वो देखते हैं, राइट, अ पॉवर्टी देखते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स वो उनको क्या करते हैं, ऑल दीज थिंग्स लेड्स हिम टू द एनलाइटमेंट, वो सब चीज़ें उनको एक एनलाइटमेंट में ले आती हैं और वो फाइनली सोचते हैं कि इतना ज़्यादा ग्रीफ, इतना ज़्यादा सॉरो इस दुनिया में है एंड जो उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत लैविश लाइफ जी रहे हैं, लग्जरियस लाइफ वो जी रहे हैं. ही हैड अ गुड फैमिली मीन्स फादर मदर एंड ऑल द मीन्स एम्प्लॉयज़ वगैरह भी थे उनके, जो सर्वेंट्स और थे, वाइफ थी, उनके बच्चे भी थे. सो ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं कि इतना ज़्यादा ग्रीफ है, इट मीन्स उन्हें अभी तक पता नहीं है. सो बेसिकली क्या होता है कि ये सब चीज़ें वो छोड़ देते हैं, मतलब वो अब एक जैसे होता है ना संत वाली लाइफ कि उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया है, जो सेक्रीफाइस हिज फैमिली एंड लीव देम, एंड वो अब क्या करने लगते हैं, स्पिरिचुअल यानी सर्मन, स्पिरिचुअल थिंग्स होते हैं ना, प्रीचेस देना, टीचिंग देना, जिसको भी नीड होती है, राइट, वो उनको प्रीचेस और टीचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. सो फाइनली ही गिव टीचिंग और प्रीच सम गर्ल, सम पर्सन, सम लेडी एंड हुज नेम इज कीसा गौतमी. सो कीसा के बारे में मीन्स हाउ शी गेट एवरी थिंग मीन्स टीचिंग एंड ऑल, प्रीचिंग एंड ऑल, कैसे वो खुद को चेंज कर पाती है. सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो देखो क्या होता है कि पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, बट सिद्धार्थ से उनका नाम चेंज होकर बौद्ध गुरु के नाम से उनका नाम फेमस होने लग गया. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो चैप्टर नंबर 10, द सर्मन एट बनारस. सो बिफोर यू, कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे गिवन है, सो इट इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, सो वी विल स्टार्ट द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर. गौतम बुद्ध 1563 BC टू 1483 BC, means death or birth, it's given here, begin life as a prince named Siddharth Gautama. So as I told you, ki he started his life as a prince because wo ek son ke, sorry, king ke son hai, and his real name is Siddharth Gautama, and now he is famous or he is known as Gautam Buddha. In northern India. So, इनका बर्थ कहाँ हुआ था, नॉर्थन इंडिया में. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later,
ही रिटर्न्ड होम टू मैरी अ प्रिंसेस. सो व्हेन ही वाज 12 इयर्स ओल्ड उनको एक हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर्स में भेजा गया. सेक्रेट मीन्स क्या होता है, एम्बॉडिंग द लॉज ऑफ डॉक्ट्रिन्स ऑफ अ रिलीजियस, मीन्स ऐसे अपने रिलीजन के बारे में, अपने लॉज के बारे में बताना. एंड स्क्रिप्चर्स मीन्स सेक्रेट राइटिंग ऑफ रिलीजन, मतलब एक राइटिंग होती है जो रिलीजन के ऊपर लिखी जाती है, दैट इज कॉल्ड अ स्क्रिप्चर. तो वहाँ पे उनको भेजा गया, वहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की. एंड आफ्टर द 4 ईयर्स, मीन्स आफ्टर द 4 ईयर्स वो वापस आए, ही रिटर्न, और उन्होंने किससे शादी करी, एक प्रिंसेस से शादी करी. दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज अ बिफिटेड रॉयल्टी. सो ही हैड अ सन, मीन्स उनका एक सन था, और उन्होंने जो लाइफ थी, मीन्स इन दीज 10 ईयर्स, दोज 10 ईयर्स बेसिकली दे हैड अ बिफिटेड रॉयल्टी ऑफ रॉयल्टी जैसी उन्होंने लाइफ ली. बिफिटेड मीन्स अप्रोप्रिएट, मीन्स जो एक अप्रोप्रिएट लाइफ होती है ना, एक लैविश लाइफ होती है, रॉयल वाली लाइफ होती है. दे जस्ट स्पेंड दैट काइंड ऑफ लाइफ एट अबाउट द एज ऑफ 25. तो वेन ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड द प्रिंस हेयर टू फोर मीन्स बिफोर ना, यानी अब तक शील्डेड, यानी 25 ईयर्स की एज तक वो शील्डेड थे, यानी कवर्ड थे फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स जो भी वर्ल्ड में सफरिंग हो रही है उससे क्या थे, ये अननोन थे, अवेयर नहीं थे. ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट दो सफरिंग विच वॉज गोइंग इन द वर्ल्ड. ऑल राइट. सो वाइल आउट हंटिंग चेंज्ड अपॉन अ सिक मैन, वैसे ही जैसे बाहर जाते हैं फॉर हंटिंग, तो चेंज्ड अपॉन मीन्स कम अक्रॉस बाय चांस, मीन्स बाय चांस ही जस्ट सॉ अ सिक मैन, देन एन एज्ड मैन, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन. फ्यूनरल प्रोसेशन जानते हो ना, जब कोई डेथ हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार होता है, दैट इज कॉल्ड अ फ्यूनरल प्रोसेशन. एंड फाइनली अ मंक बैगिंग फॉर आर्म्स. आर्म्स मीन्स मनी और फूड गिवन टू अ पुअर पीपल, राइट. तो एक बैगिंग, एक मंक को देखा, यानी साधु संत को देखा, भिखारी भी जब आप बोल सकते हो, वो क्या कर रहा था, बैग कर रहा था किसके लिए, फूड और पैसे के लिए. सो दीज आर द मोस्ट आप कह सकते हो सफरिंग है लोगों की, कि फर्स्ट ही सॉ सिक मैन, राइट, कि लोग बीमार होते. अभी तो ये तो लग्जरियस लाइफ में जीते हैं, सब कुछ, ऑल कम्फर्ट्स ही गॉट इन हिज लाइफ. सो बेसिकली ही डजंट नो कि सिक क्या होता है, बीमारी क्या होती है. देन एज्ड पर्सन, राइट. अब देखो क्या होता है, इफ़ वी हैव एवरीथिंग, मीन्स हमारे पास गुड फूड, गुड एटमोसफेयर एंड लाइफ ऑफ लिविंग, ऑल द लग्जरियस थिंग्स वी हैव एंड ऑलमोस्ट मेकअप, अगर हम गुड मीन्स वी ईट गुड, देन वी फील गुड, देन वी लुक गुड, अंडरस्टैंड. सो सेम थिंग है कि उन्होंने एज पर्सन नहीं देखा, इतना एज पर्सन नहीं, वो सफ़र कर रहे हैं अपनी एज के साथ. देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन की लाइफ के बाद एक डेथ भी होती है. एंड फाइनली मॉक के फूड के लिए किसी को भीख मांगना, है ना, मांगना कि हमको खाना दे दो. सो दीज थिंग्स जो उनको बहुत सफ़र करती है, दीज साइट सो मूव्ड हिम डैट ही एट वंस वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट. एनलाइटमेंट मीन्स अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, एक ऐसी स्टेज जहाँ पे वी वॉन्ट कि हमें एक स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए कि रियल ट्रूथ क्या है, रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है, रियलिटी ऑफ डेथ क्या है. सो बेसिकली वी ऑल वॉन्ट द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, राइट. तो दैट इज कॉल्ड एन एनलाइटमेंट. सो बेसिकली ही जस्ट मूव्ड फ्रॉम ऑल दीज थिंग, दैट्स वाई ही जस्ट वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड, और नाउ ही वॉन्ट्स टू सीक सम एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सोरो ही हैड विटनेस्ड. मीन्स वट एवर जो उसने विटनेस की, जो भी सोरो विटनेस की, उसके लिए एक एनलाइटमेंट चाहता था, ये रियल ट्रुथ जानना चाहता था. So he wandered from for 7 years. So he just wandered, means he just roam here and there at least for 7 years. It is a very long period. वो इधर उधर घूमते रहे. And finally sat down under a peepal tree. तो finally उनको एक place मिला peepal tree, उसके नीचे वो बैठ गए. Where he vowed means होता है, मतलब आप कह लो taken an oath, कसम खाना, right? So उन्होंने एक vow किया, कसम खाई. And after that, to stay until enlightenment came. तो और वो वहाँ पर कब तक रहे, जब तक भी उनको enlightenment नहीं मिल गया. So enlightenment after 7 days. तो after the 7 days he got enlightenment and he renamed the tree
द बोधि ट्री, और उस पीपल ट्री को उन्होंने क्या नाम दे दिया, द बोधि ट्री। तो बेसिकली द बोधि ट्री मीन्स द ट्री ऑफ विजडम। विजडम मीन्स अ पर्सन बीइंग अ वेरी वाइज, जो सब कुछ जानता हो, रियल ट्रूथ जानता हो, डैट इज कॉल्ड अ विजडम। तो डैट ट्री इज द बोधि ट्री, द ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगिन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। सो नाउ मीन्स फ्रॉम दैट डे ही जस्ट बिगिन टू टीच समवन, बिगिन टू प्रीच समवन एंड टू शेयर हिज व्यूज और अंडरस्टैंडिंग टू एवरी पर्सन और एवरीबडी। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। सो तब से किस नाम से जाने जाने लग गए थे, ही इज फेमस और ही नोन एज द नेम ऑफ बुद्धा के नाम से जाने लगे, द अवेकन और द एनलाइटन, जिसका मीन्स क्या होता है, अवेकन करना और किसी को एनलाइट करना। सो द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस सिटी में उन्होंने फर्स्ट प्रीच स्टार्ट करी। सर्मन मीन्स रिलीजियस और मॉरल टॉक, जिसे हम कहते हैं उसे सर्मन कहते हैं। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस, डिपिंग प्लेसेस मीन्स बेथिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंग्स। तो देखो गंगा जो नदी है वहाँ पे क्या होता है, लोग बात करके जाते हैं, राइट, बिकॉज वो बहुत ही होली प्लेस माना जाता है बनारस में। सो वहाँ पे ये सर्मन देते थे। दैट सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। सो जो सर्मन है वो आज भी प्रिजर्व्ड है, राइट, जिसे थ्रू दिस चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ। तो डैट इज ऑल्सो प्रिजर्व्ड। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। सो हेयर द इंस्क्रूटेबल मीन्स होता है समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा ना जा सके। तो बुद्धा विजडम इतनी थी कि जो इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग थी, जिसे हम अभी तक नहीं समझ रहे थे, उसे वो बताना चाह रहा था। बेसिकली देखो हमने क्या क्या देखा, सिख, poverty, aged, right, and death, funeral procession. तो we all understand कि yes, poverty is there, okay, we understand. Sick को भी हम understand कर पाते हैं एक सम पॉइंट पर, एंड ऑल्सो द एज्ड मीन्स एज्ड होनी है हम, इफ वी आर नाउ 20 ईयर्स ओल्ड तो हम 40 के भी होंगे, 50 के भी होंगे, 60 के भी होंगे, जब तक हमारी लाइफ है, राइट। सो वी दीज थ्री थिंग्स वी अंडरस्टैंड वेरी वेल, बट द मेन थिंग इज द डेथ, जो एक्सेप्ट नहीं करी जाती किसके थ्रू, UNI, राइट, वी कैन नॉट एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ डेथ। तो बेसिकली जो इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग है लाइक डेथ, उसे बुद्धा हमारे हमको बताना चाह रहे हैं या एनलाइटमेंट करना चाह रहे हैं थ्रू हिज सर्मन्स और थ्रू हिज रिलीजियस और मॉरल टॉक्स। सो नाउ द कीसा गौतमी, अब कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन। सो नाउ थ्रू द कीसा गौतमी की अब यहाँ पे स्टोरी गिवन है, जिसके बारे में हाउ शी गेट की उन्हें कैसे रियलिटी पता चली डेथ की, उस उनकी एक स्टोरी यहाँ पे गिविन है। सो कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। अब कीसा गौतमी का एक ही सन था जिसकी क्या हो गई थी, डेथ हो चुकी थी। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। सो बेसिकली क्या होता है कि होता है ना, एक मदर, मदर विल बी मदर, ठीक है, एंड फॉर मदर नथिंग इज इम्पॉर्टेंट देन देयर चाइल्ड, ऑब्वियस। तो वैसे ही क्या होता था, जैसे कि उनका सन था वो उनकी डेथ हो चुकी थी, एंड आफ्टर हिज डेथ ही वॉज जस्ट लॉस्ट इन द ग्रीफ एंड ऑल, वो खो गई थी, शी वॉज वेरी अनकॉन्शियस, एंड वो अपने नेबर्स के पास जाती है आस्किंग फॉर मेडिसिन, उनसे पूछती कि इफ़ यू हैव एनी मेडिसिन जिससे मेरा बेटा क्या हो जाए, क्योर हो जाए, प्लीज़ गिव मी। तो एवरी वन वॉज थॉट और एवरी वन वॉज सेड कि वी थिंक डैट शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेज, अपने सेंसेज में नहीं है, अनकॉन्शियस हो गई है, बिकॉज द बॉय इज डेड एंड शी वॉज आस्किंग सम मेडिसिन फॉर हिम। सो एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। और एट लास्ट कीसा गौतमी एक पर्सन से मिली जो उसने उनकी बातों का रिप्लाई किया, लाइक आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड। सो ही सेड कि आई कैन नॉट गिव यू, दी मीन्स यू, गिव यू अ मेडिसिन, मैं तुम्हें कोई मेडिसिन नहीं दे सकता फॉर योर, दाई मीन्स योर चाइल्ड। सी हेयर दी मीन्स यू एंड दाई मीन्स योर, अंडरस्टैंड। सो ही सेड कि आई कैन नॉट गिव अ मेडिसिन टू योर चाइल्ड, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन क्योर योर चाइल्ड। सो ही सेड
कि मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ, एक डॉक्टर को जानता हूँ दैट जो तुम्हारे चाइल्ड को क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं. एंड द गर्ल सेड, मीन्स गर्ल, हु इज गर्ल हियर, गीसी कीसा गौतमी, प्रे टेल मी. सो प्रे टेल मी का मीन्स होता है यूज टू हेयर द वर्ड. प्रे टेल मी मीन्स यूज फॉर एम्फेसाइज टू डिमांड एंड आंसर. मतलब जब हम किसी बहुत एम्फेसाइज करके बोलते हैं कि आप हाँ प्लीज आंसर दो, क्या हो सकता है, इन अ वेरी पोलाइट मैनर, दैट इज कॉल्ड अ प्रे. सो प्रे टेल मी सर हु इज इट. सो शी सेड कि सर प्लीज बता दीजिए कौन है जो मेरे बच्चे को क्योर कर सकता है, ठीक कर सकता है. एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्या मुनि द बुद्धा. तो क्या कहता है, तुम साक्या मुनि जाओ, जहाँ पे तुम्हें कौन मिलेंगे, बुद्धा मिलेंगे. सो ही विल डेफिनेटली क्योर योर चाइल्ड. कीसा गौतमी, सो मदर तो मदर होती, तो कीसा गौतमी रिपेयर्ड मीन्स अ स्टाइलिस्टिक यूज वेंट टू, मीन्स कीसा गौतमी वेंट टू द बुद्धा. किसके पास जाती है वो, बुद्धा के पास जाती है. क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय. सो ही जस्ट क्राइड, ही जस्ट स्क्रीम ओवर देयर एंड जस्ट आस्क हिम कि ओ लॉर्ड, ओ मास्टर प्लीज़ मेरे चाइल्ड को क्या कर दो, क्योर कर दो, ठीक कर दो. तो बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. सो ऑन दिस पॉइंट बुद्धा बोलते हैं कि ओके आई क्योर योर बॉय, बट बिफोर फॉर दिस आई वॉन्ट अ सम मस्टर्ड सीड, मीन्स सरसों के कुछ बीज चाहिए उनको. एंड वैन द गर्ल इज इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रिक्योर, प्रिक्योर मीन्स गेट इट, मीन्स वो कह रही है, वो खुश हो जाती है कि बिकॉज फॉर हर की इट इज़ वेरी ईजी थिंग टू डू कि सीड्स लाना है, मस्टर्ड सीड्स लाने हैं, तो कहती हाँ मैं ले आऊंगी. एंड बट द बुद्धा एडिट, वो इसके बाद जस्ट एक बात और ऐड करता है, दैट इज द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम आ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड. सो ही ऐड कि तुम्हें वो जो मस्टर्ड सीड है ना, वो एक ऐसे घर से लेकर आने हैं जहाँ पे किसी ने भी, मीन्स नो वन लॉस्ट हिज डियर और नियर वंस, राइट. तो उसी घर से तुम्हें लाने, लाइक किसी ने अपना बच्चा नहीं खोया, हस्बैंड नहीं खोया, पेरेंट्स या फ्रेंड्स नहीं खोया, उसी घर से तुम्हें मस्टर्ड सीड लेकर आने थे. तो दैट टाइम वी जस्ट थिंक कि ठीक है भाई, कीसा जो है वो अपने सेंसेस में नहीं होते, तो इस चीज़ के लिए वो हाँ करेगी. तो दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी. सो वी विल कंटिन्यू स्टोरी इन आर नेक्स्ट वीडियो. एंड इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि कि फाइनली शी वॉज सक्सीड और नॉट कि टू गेट सम मस्टर्ड सीड्स, राइट. और देखते हैं कि उसको फाइनली उसको पता चलता है कि रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है, रियलिटी ऑफ डेथ क्या है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.